और बढ़ते हैं आगे। वाराणसी से अहम खबर मिल रही है। बीएचयू के सिंह द्वार पर भारी हंगामा नजर आया है। नीट रिजल्ट को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों ने नीट परीक्षा रद्द करने की मांग की है। पोस्टर बैनर लेकर धांधली का आरोप लगाया गया है। ये तस्वीरें वाराणसी की आप देख रहे हैं, जहां अपने अपने तरीके से ये छात्र विरोध जाहिर कर रहे हैं। परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है इन छात्रों की तरफ से। कह रहा है, लेकिन छात्रों का आरोप है कि धांधली की गई है, जल्दबाजी में ये रिजल्ट जारी किया गया है, क्योंकि एक ही सेंटर से छह छह टॉपर कैसे निकल सकते हैं। नीट परीक्षा के निराश परीक्षार्थी जी मीडिया की मुहिम के साथ जुड़े हैं और छात्रों ने अपनी निराशा को बयां किया। आपको बता दें कि नीट परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद सवाल खड़े हुए हैं, मामला कोर्ट में है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। वाराणसी से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से मयूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, फिलहाल लखनऊ में क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि गुस्सा इस वक्त छात्रों का सातवें आसमान पर है। हालांकि एनटीए ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए एनटीए ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये बात लगातार एनटीए लंबे समय से कह रहा था और जो वजह वो बता रहे हैं कि जो एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम में चेंजेस हुए थे उसकी वजह से और जो ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था की गई है उसकी वजह से इतने सारे बच्चों के 67 बच्चों के एक जैसे नंबर आ सकते हैं, एक ही जगह पर एक ही सेंटर पर इतने सारे बच्चों के एक जैसे नंबर आ सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, एनटीए का ऐसा कहना है। लेकिन ये बात गले से नहीं उतर रही है उन छात्रों के लिए। उनका मानना है कि ग्रेस मार्क्स की जब पहले से कोई व्यवस्था नहीं, जब जो है परीक्षा कराई गई, तो बीचों बीच में ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था ये कैसे हो सकती है? 14 जून को रिजल्ट घोषित होना था, एकाएक इतनी जल्दी 10 दिन पहले 4 जून को रिजल्ट कैसे घोषित कर दिया गया, तो धांधली का आरोप है। हालांकि इस परीक्षा को लेकर पॉलिटिक्स भी पूरे देश में गर्म है। विपक्ष और खासतौर पर अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लोकसभा चुनाव के नतीजे भी उसी दिन आए थे और रिजल्ट भी उसी दिन आया था, उसके बाद से लगातार इस पर हमलावर है। उनका कहना है कि पहले भी ये पेपर लीक हुआ था और अब इसमें जो रिजल्ट आया है उसमें धांधली का आरोप भी लगाया जा रहा है और स्टूडेंट से मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो पेपर है रद्द होना चाहिए, दोबारा इस परीक्षा को कराना चाहिए ताकि पारदर्शी तरीके से हो सके। लेकिन एनटीए ये मांग जो है ये मानने को तैयार नहीं है। एनटीए बार-बार कह रहा है कि कोई भी धांधली नहीं हुई है, कोई भी अनियमितताएं इसमें नहीं बरती गई है, इसलिए दोबारा परीक्षा कराना ठीक नहीं रहेगा। हां, खामियां कहां पे हुई है, गलतियां कहां पे हुई है उसकी जांच कराई जाएगी। जांच कराने के बाद ये देखा जाएगा कि इस तरीके के जो चीजें पॉसिबल ही नहीं है वैसे रिजल्ट कैसे सकते हैं। तमाम सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और क्योंकि लाखों बच्चों की बात है, बड़ी संख्या में देश भर में नीट में लगभग 80,000 सीटें हैं मेडिकल की पूरे देश भर में, जिनमें ये भर्तियां होती हैं, बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो ऐसे में इसमें किसी तरीके की धांधली ना हो इसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। हालांकि जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर सत्ताधारी पार्टियों की तरफ से अभी किसी तरीके का बयान सामने नहीं आया। हां, महाराष्ट्र सरकार ये मांग जरूर कर रही है कि इस पेपर को रद्द करना चाहिए, नए सिरे से पेपर को कराना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में परफॉर्मेंस वहां के स्टूडेंट्स का बहुत खराब रहा है। उनका मानना है कि उनके जो बिल्कुल तो परीक्षा को रद्द करने की मांग हर तरफ से उठ रही है और इस पर सियासत भी नजर आ रही है। मयूर, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, अगर आपके आसपास स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, उनका अगला रुख क्या रहेगा, क्या कह रहे हैं वो लोग? जी बिल्कुल, हमारे साथ इसमें स्टूडेंट मौजूद हैं जो नीट एग्ज़ाम को दे करके, आपको बता दें कि आज वाराणसी में नीट एग्ज़ाम को लेकर के ही काफ़ी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने बीएचयू गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और नीट एग्ज़ाम को पुनः कराने की मांग के साथ साथ एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी पर सवालिया निशान खड़ा किया है। तो अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है, गंभीर रुख अख्तियार करता जा रहा है। जो नीट का रिजल्ट आया है, और हालांकि प्राथमिक तौर पर काफ़ी कुछ इसमें जो है विसंगति है जिसको लेकर के अब छात्र समेत जो है कोचिंग संचालक गार्जियन सब लोग इससे उद्वेलित हैं। हमारे साथ इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ सोचना है। जो नीट का रिजल्ट बाबू आया है उसको लेकर के क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मानसिकता है? सर, नीट का रिजल्ट 2024 का ऐसा है, मतलब जैसे कि कुछ ऑलमोस्ट 67 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया है, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर और दो बच्चों का आया था कि 789 790, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि
अगर बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 716 और एक क्वेश्चन नहीं करता तो उसका 716 और अगर क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 715। 716 के ऊपर जाने का कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर 716 ऊपर गया है तो ये स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। और अब जब गड़बड़ हुआ तो अब क्या आप लोग क्या मांगे हैं, क्या कुछ चाहते हैं? सर हम चाहते हैं, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ये फिर से नीट 2024 यूजी का पेपर दोबारा कंडक्ट कराए। जी दोबारा कंडक्ट कराने, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने इसको संचालित कराया था उसकी क्या भूमिका, उसको लेकर के उसके लिए क्या आप लोगों की मांग है? सर ऐसा हम लोग मानते हैं कि पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया गया है, या तो इस वजह से इतने ज़्यादा बच्चों का 720 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर कुछ तो लीक पेपर लीक हुआ होगा इस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। और ये भी 5-6 बच्चों का सेम सेंटर से अगर 720 मार्क्स आ जा रहा है जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, 0.1% चांस है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पेपर को दोबारा कंडक्ट कराना ज़रूरी है नीट। जी हमारे साथ एक टीचर भी मौजूद हैं जो मतलब काफ़ी दिनों से बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं। जी आपका क्या मानना है, प्रदर्शन किया है कितना जायज है, क्या कुछ है? देखिए सर इस बार पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि 720 में इतने बच्चे 720 नंबर पाए हैं, और उसके साथ 719 और 718 नंबर अच्छा हुआ कि ऐसा ग्रेस मार्क के माध्यम से हो गया। और एग्ज़ाम में कभी भी अचानक से अगर बच्चा लेट हो रहा है या फिर सेंटर लेट कर रहा है तो उसकी वजह से किसी बच्चे को हम 718 नंबर और 719 नंबर कैसे दे सकते हैं? 24 लाख बच्चे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल हो रहा है। अभी एक बच्चा हमारे पास आया था जो 26 साल का हो चुका है और वह 620 नंबर पा रहा है, पिछले साल 605 नंबर पे सिलेक्शन होता था, वह हर बार अटेम्प्ट दे रहा है, ऐसे कई बच्चे हैं और वह 620 नंबर पाया। अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, ऐसे कई बच्चों के साथ भावनाओं के साथ आहत हो रहा है और खिलवाड़ हो रहा है। अगर ऐसे एग्जाम होते रहे तो हमारा बच्चों का अपने एग्जाम पर भरोसा उड़ जाएगा। इस बार 650 नंबर पहुँच गया कट ऑफ के लगभग, अब 720 में बच्चा 650 पाए या फिर 700 के करीब वर्कआउट करे तो ये एग्जाम का लेवल कहाँ तक पहुँच गया? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी जद्दोजहद से बच्चे सालों साल यहाँ तैयारी करते हैं। आप बताइए आपको आपका क्या कहना है? मेहनत करना मतलब क्या कहते हैं, स्टूडेंट हर समय मेहनत कर रहा है, अपनी फैमिली से दूर रह के मेहनत कर रहा है, कहाँ रह के कर रहा है, उसकी फैमिली कहाँ से उसके पढ़ाई के लिए कहाँ से मतलब वो मनी अरेंज कर रही है उसका कोई मतलब नहीं देखा जा रहा है। और प्लस ये बात है कि स्टूडेंट जो इतना मेहनत करके पेपर दिया है उसके बाद अगर उसका मतलब सपना पूरा नहीं हो रहा, उसे अपनी मनचाही कॉलेज नहीं मिल रही है, तो ये तो एक तरह से रॉन्ग हुआ। और उस वे में स्टूडेंट मतलब कितने बार मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी स्टूडेंट इस बार निकाल भी चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट ने एक दो साल अपना ड्रॉप करके किया था मेहनत ताकि उनका जो सपना है एम्स डेली जहां उनका था वो उनको मिल जाए, वो उन्हें नहीं मिला ऐसा। बिल्कुल, एक स्टूडेंट आप बताइए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह का एग्जाम इस बार नीट का रिजल्ट आया है, 67 बच्चों ने टॉप किया, उसमें बताया जा रहा है कि 11 बच्चे एक ही सेंटर के हैं। सर ये बहुत गलत है, और सर मैं ये चाहता हूँ कि जो एनटीए है मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये जो एग्ज़ाम है या तो फिर से कंडक्ट कराए, और अगर नहीं करा सकती है तो रीचेकिंग के लिए दे। रीचेकिंग से ये होगा सर कि जितने सारे बच्चे हैं अगर ग्रेस मार्क्स मिला तो उनको न मिले, उनको उनके जितना वो अटेंड करना चाहते हैं उतना ही मिले। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने इस परीक्षा को हेल्ड कराया, जिसने इस परीक्षा कराया, उस पर कितना भरोसा है? उससे जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं एनटीए को लेकर के कितना भरोसा है आप लोग? सर 2023 से पहले हम लोग को बहुत भरोसा था एनटीए पे, लेकिन ये जो ये कर रही हैं इससे भरोसा बहुत कम हो जाएगा, और बहुत लोग का विश्वास ये होगा कि अब वो नीट क्यों दें, आईआईटी भी अगर ऐसा करने लग गया, आईआईटी भी ये सब करने लग गया तो सर आईआईटी कौन करेगा फिर? हम लोग खुद ऐसा चाह रहे हैं कि एनटीए ये सब चीज़ें ना करें। एक बच्चे यहाँ पर कितने मतलब इस चीज़ को लेकर के मरमाहत हैं, काफ़ी दिनों से घर परिवार छोड़ करके आ करके यहाँ तैयारी करते सालों साल, लेकिन जो ये परीक्षा प्रणाली है इसको लेकर के काफ़ी सवालिया निशान है। इस मामले को लेकर के जब मांग की जा रही है कि इसकी जांच हो, और बिल्कुल जांच की मांग की जा रही है और परीक्षा को रद्द करने की भी मांग उठ रही है। आप दोनों बने रहेगा हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास। नीट परीक्षा के निराश परीक्षार्थी जी मीडिया की मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं और छात्रों ने अपनी निराशा को बयां किया है। आपको बता दें कि नीट परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद सवाल खड़े हुए हैं और मामला कोर्ट में है। तो नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद जगह जगह प्रदर्शन हंगामा नजर आ रहा है। नीट परीक्षा के बाद अब
कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं उनमें निराशा देखने को मिल रही है। आखिर ये गड़बड़ झाला क्या है? आपने परीक्षा दी, नाम जानेंगे आपका? मोहम्मद अयान खान। कितने नंबर आए? 607 नंबर आए। निराशा क्या है? जिस हिसाब से रैंक गई है इस बार, मुझे उम्मीद थी मेरी इस बार 29,000 to 30,000 रैंक आएगी, 73,000 गई है इस बार, काफ़ी ज़्यादा रैंक ऊपर गई है। तो अब आगे क्या करना? आगे तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे इस बार कोई ना कोई तो कॉलेज मिल ही जाएगा, मगर अब क्योंकि ये रिजल्ट आया है तो मुझे दोबारा ही करना। ये पेपर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इनकी, ये पूरा का पूरा, ये जो कार्ड है, जो इनका ये पूरा का पेपर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की निराशा इनके चेहरे पर भी आप देख सकते हैं, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है उस व्यवस्था पर जो इसे पूरा करने के दावे करती है। आप अपना नाम बताइए। रेयान खान। कितने नंबर आपके आए? मेरे 593 आए। उम्मीद थी एडमिशन मिलेगा? आपकी बार उम्मीद थी कि एडमिशन मिलेगा, पर जिस हिसाब से रैंक गई है, ग्रेस मार्क लोगों को दिए गए हैं, कोई ग्रेस मार्क का ये नहीं बताया गया किस वजह, मतलब किस क्राइटेरिया पे ग्रेस मार्क दिया गया, और रैंक का भी इतना हाई जाना तो बहुत संभव नहीं। कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों को लेकर अब मामला कोर्ट तक। नाम जानेंगे आपका? सर्वज्ञा गिरी। सर्वज्ञा, पिताजी क्या करते हैं? टीचर है। टीचर है। और नंबर कितने आए आपके? मेरे तो 554 आए हैं, लेकिन कोई ना कोई तो ब्रांच मिली जाती है, MBBS नहीं मिलता, लेकिन अब मुझे उस पर भी ना ही BDS की भी उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मुझे कम से कम BDS मिल जाएगा, लेकिन इतने साल से मतलब बहुत निराश है। जो लोग परीक्षा में उतरे थे वो निराश है, और उनकी निराशा का कारण कहीं ना कहीं वो अव्यवस्था है जो इन्हें कहीं ना कहीं निराशा से उबार सकती थी। तो जी न्यूज इस मुहिम को लगातार आगे बढ़ा रहा है, आप भी जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से दिनेश के पास चलते हैं, उनके साथ छात्र भी मौजूद हैं। दिनेश, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया उसको लेकर छात्रों में नाराजगी है और जो अभिभावक हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं, शिक्षक हैरान हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी चीजें सामने आएंगी तो इससे छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जो नीट का रिजल्ट आया, जो नीट का परीक्षा हुआ, इसको लेकर के प्राथमिक तौर से ही देखा जाए तो पूरी परीक्षा प्रणाली सवालिया के निशान पे है। सबसे बड़ी बात, जो रिजल्ट घोषित किया गया 14 जून को रिजल्ट घोषित होना था, लेकिन वो रिजल्ट मतगणना के दिन घोषित कर दिया गया, तो इसको लेकर के भी जो यहाँ गार्जियन है जो हैं ये काफ़ी जो है विरोध कर रहे हैं कि आखिर इतने पहले क्यों किया गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कुछ साजिश थी छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, तो काफ़ी कुछ खामियां हैं। एक बार फिर हम चलते हैं, आप बताइए जो ये परीक्षा प्रणाली रही इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, क्या खामियां रही? देखिए, इतनी सारी चीज़ें अचानक से हो जाएं ये पॉसिबल नहीं है कि 720 में 720 67 बच्चे पा जाए, एक ही सेंटर से 7 बच्चे 720 नंबर पा जाए, और अचानक से तुरंत का तुरंत ग्रेस मार्क बदल जाए, नियम किसी को नहीं पता, अचानक से ग्रेस मार्किंग कर दिया जाए, ये सारी 14 जून को रिजल्ट आने वाला है, 4 जून को रिजल्ट आ जाए, ये सारी अनिश्चितताएं एक ही दिन हो जाए, एक ही दिन इतना बदलाव हो जाए, उस पर हम लोग विश्वास कैसे करें? इसलिए हम सभी लोगों को शंका हो रहा है कि नीट एग्जाम कंडक्ट कराने में NTA ने जो दिक्कत करा हुआ है, या फिर जो दिक्कतें हुई उनसे, या तो हुआ जानबूझकर हुआ है या तो जैसे हुआ, इसकी वजह से हम लोग गुजारिश करते हैं कि यह एग्जाम दोबारा करा जाए, और दोबारा कभी बच्चों के भविष्य के साथ, अगर 24 लाख बच्चे दे रहे हैं तो उनके गार्जियन को जोड़े तो 48 लाख हो गए, उनके परिवार को जोड़े तो पूरा 1-2 करोड़ 10 करोड़ के करीब जनता है, उनके साथ हम लोग कितना उनकी भावनाओं के साथ कितना खेल रहे हैं, बच्चे कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, माँ बाप कैसे उनका अरेंजमेंट करते हैं, वो बच्चा कैसे अरेंज करता है, उनका लाइफ बीतता जा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर हर साल बढ़ रहे हैं, फिर भी वो लगे हैं, इतनी अच्छी एग्जाम हो रहा था इसके पहले 8 साल से, आज NTA एग्जाम कराने लगा, इसके पहले वर्ल्ड में 7वें स्थान पर आपका नीट एग्जाम होता था, आज 17वें 18वें स्थान पे और दूर चला जाएगा। बिल्कुल, छात्रों के अलग अलग रिएक्शंस लगातार नजर आ रहे हैं और नाराजगी भी वो जाहिर कर रहे हैं। NTA ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।